तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध, ये 1.25 लीटर के करीब होगा। दूध को एक बार अच्छे तरीके से उबाल लेंगे, उसके बाद इसमें मिलाएंगे 5 बड़े चम्मच विनेगर। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। विनेगर या नींबू का रस डालने के बाद इसे 5 से 10 सेकंड के लिए उबालेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, तो ये पूरी तरीके से फट जाएगा। छेने को पानी से अलग करने के लिए एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, इस तरीके से अलग कर लेंगे और इसके ऊपर नॉर्मल पानी डाल लेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और इस तरीके से मसल लेंगे ताकि जो खट्टापन है विनेगर का वो निकल जाए, या फिर नींबू के रस का जो भी आप मिलाएं उसका खट्टापन निकल जाए। इस तरीके से निचोड़ लेंगे पूरी तरीके से और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तब तक हम एक आम लेंगे, उसकी छिलके निकाल लेंगे। इसे हमको ग्राइंड करना है तो इसके छोटे छोटे पीसेस काट लें, पूरी तरीके से इसका पल्प निकाल लें। उसके बाद इसमें मिलाएंगे 2 कप पानी और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। एक ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसको छान लेंगे। इसको छानने के बाद इसको अलग रख दें और तब तक छेने को देख लेते हैं। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो हम एक स्टील का कोई बर्तन लेंगे जहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से मसल पाए, और इसको ऐसे करके तोड़ लेंगे। इसको मसलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको हम हथेली की मदद से ऐसे करके मसलेंगे। इसको मसलने में 14 से 15 मिनट लगेंगे, तो ये वाली स्टेप बहुत अच्छी तरीके से करनी होती है। अगर ये वाला स्टेप अच्छी तरीके से नहीं हुआ और जब हम रसगुल्ले के बॉल्स बनाएंगे तब उसमें क्रैक्स हो जाएंगे, और जब हम इसको चाशनी में डालेंगे तब रसगुल्ले फट जाएंगे। तो जो डो है वो पूरी तरीके से रेडी है, ये थाली में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि डो रेडी है या नहीं। तो हम इस तरीके से हथेली में मसलते हुए रसगुल्ले के बॉल्स बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने डाला 2.5 कप पानी, 1 कप चीनी आधा आधा कप करके 2 बार। इसको इस तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 कप आम का जूस जो हमने बनाया था। इसको एक बार इस तरीके से मिला लें। उसके बाद इसमें एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। इसमें उबाल आ चुका है, इसमें मिला है इलायची अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे रसगुल्ले एक एक करके। इसको हाई फ्लेम पे हमको 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है ढक के, पूरी तरीके से नहीं ढकना है, थोड़ा सा खुला रखना है इस तरीके से। उसके बाद 5-6 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे दोबारा। 5-6 मिनट हो गए हैं, देखिए कितनी अच्छी तरीके से रसगुल्ले फूल चुके हैं। कभी कभी क्या होता है कि चाशनी जो होती है वो मोटी हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी चाशनी मोटी हो गई है तो आप गर्म पानी करें और उसको ऊपर से डालें। तो यहाँ पे जो चाशनी है वो मोटी नहीं हुई है, तो हम इसको ढककर 6 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। 6 से 7 मिनट बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, ये हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब कर देंगे गैस बंद और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसको जब खाएंगे तो इसमें आम जैसा फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने इसमें आम का जूस मिलाया था। तो अभी आम का सीज़न है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइए कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।